नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं Vivo V25 Pro 5G के बारे में। अगर दोस्तों आप Vivo का अपने लिए एक बढ़िया स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हैं या फिर खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं Vivo का V25 Pro 5G एडिशन के बारे में। आज मैं इसके डिटेल स्पेक्स आपको बताने वाला हूं, क्या स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है, क्या प्राइस रहने वाली है, कब तक लॉन्च हो जाएगा। अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करने की सोच रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं तो आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो आइए देखते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करते हैं कि डिस्प्ले क्या रहने वाली है, क्योंकि कोई सा भी स्मार्टफोन हो आपके पास, जो भी स्मार्टफोन आप बाय कर रहे हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस डिस्प्ले को जाता है। अगर स्मार्टफोन की डिस्प्ले उतनी अच्छी नहीं है, उतनी बढ़िया नहीं है, स्मार्टफोन की डिस्प्ले में आंखों को चुभ रही है, जलन हो रही है, लगभग एक डेढ़ घंटा दो घंटा चलाते हैं आंखों में जलन हो जाती है, पिक्सल डेंसिटी कम है, वो एमोलेड डिस्प्ले नहीं है या फिर उसकी जो क्वालिटी है काफी कम है, तो डिस्प्ले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप एक स्मार्टफोन बाय कर रहे हैं। तो स्मार्टफोन की अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है वह 56 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। एमोलेड डिस्प्ले रहेगी, 398 ppi पर बेस्ड है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में बेजललेस पंच होल डिस्प्ले हमें यहां पर देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी ज्यादा शानदार काफी बढ़िया डिस्प्ले रहेगी। अगर आप इस डिस्प्ले को लेने की सोच रहे हैं या फिर खरीदना चाहते हैं तो काफी शानदार डिस्प्ले हम इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं हम इसके क्या कैमरा फैसिलिटीज हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। अगर दोस्तों कैमरास की बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन के अंदर हमें जो कैमरा फैसिलिटीज यहां पर देखने को मिलने वाली है वह दोस्तों 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल की यहां पर रहने वाली है। 4K की वीडियो फैसिलिटीज प्रोवाइड करा देती है। तो दोस्तों यहां पर हमें जो कैमरा फैसिलिटीज मिल रही है काफी शानदार कैमरा फैसिलिटीज हमें देखने को मिलती है। अब एक नजर हम इस स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग फैसिलिटीज पर डाल लेते हैं कि क्या बैटरी बैकअप क्या चार्जिंग फैसिलिटीज हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। अगर बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग फैसिलिटीज की बात करी जाए तो इसके अंदर हमें जो बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग फैसिलिटीज यहां पर देखने को मिलने वाली है वह दोस्तों 4830 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है 66 वाट की फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज के साथ में, जो कि काफी ज्यादा शानदार काफी बढ़िया है। देखा जाए तो काफी ज्यादा तगड़ा हमें यहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। अब बात करते हैं हम इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, कि परफॉर्मेंस क्या रहेगी। अगर स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो सबसे पहले हम इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के अंदर दोस्तों बात करते हैं इसके चिपसेट की, कि चिपसेट क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले रैम और इंटरनल स्टोरेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी स्मार्टफोन के लिए। अगर स्मार्टफोन की रैम और इंटरनल स्टोरेज जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। दोस्तों इच्छा अपनी खुद की रहती है कि हम अपने हिसाब से प्राइस के ब्याप पर भी रैम इंटरनल स्टोरेज को सेलेक्ट करते हैं। हमारा बजट अगर ज्यादा रहता है तो हम रैम और इंटरनल स्टोरेज ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन अगर हमारी प्राइस का सेगमेंट थोड़ा कम रहता है तो हम अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से लेते हैं। तो रैम और इंटरनल स्टोरेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है परफॉर्मेंस में। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके चिपसेट की, तो इसके अंदर हमें जो चिपसेट देखने को मिलने वाला है वो मीडियाटेक का डायमंड सिटी यहाँ पर हमें 1300 हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लगभग 1300 हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिपसेट हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करी जाए इसकी परफॉर्मेंस की, कि परफॉर्मेंस में कौन सा प्रोसेसर हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अगर प्रोसेसर की बात करी जाए तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वह दोस्तों ओक्टा कोर का 3 GHz पर बेस्ड, साथ इसकी स्पीड को बूस्ट अपग्रेड करने के लिए सिंगल कोर का 2.6 GHz का
CPU लगाया गया है। लेकिन इसके स्पीड को और ज्यादा बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए यहां पर ट्राइकोर का 2GHz का CPU लगाया गया है, जो काफी हद तक इसके स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड कर देता है, जो कि काफी ज्यादा शानदार और काफी बढ़िया रहेगा। ओवरऑल इंफॉर्मेशन हम जान चुके स्मार्टफोन का नॉर्मल इंटीरियर किस टाइप का रहना है, क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। ये 5G वेरिएंट पर आपको देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ट रह सकता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की कि यार प्राइस क्या रहने वाली है। प्राइस की बात करी जाए तो इसकी जो प्राइस हमें यहां पर देखने को मिल रही है, आई थिंक ये आपको 36,000 रुपए के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा शानदार काफी बढ़िया रहेगा। 36,000 के अंदर काफी बढ़िया स्मार्टफोन हमें देखने को मिल रहा है। अगर हमारा बजट 36,000 का है तो उस स्थिति में देखने को मिलता है यह स्मार्टफोन काफी शानदार है। अब इच्छा अपनी खुद की होती है हमें बाय करें ना करें, लेकिन अगर आपका मानस है स्मार्टफोन को बाय करने का तो आप खरीदना चाहें तो बेशक डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके बाय कर सकते हैं। लेकिन जब यह स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर आएगा तब, जब तक का वेट करिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। यह वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।